अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा हम फ्राई पैन में बनाएंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए। यहाँ पर हमने 2 कप मैदा लिया है पर्पस फ्लोर, 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर है, 2 टेबल स्पून चीनी है, 1 टेबल स्पून ईस्ट है। अगर आप ईस्ट ना डालना चाहें आटे को खमीर करने के लिए तो आप इसकी जगह पर 1 कप दही डाल दीजिए, 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो कोई सा भी ऑयल आप डाल सकते हैं, 1 टीस्पून नमक है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक गिलास हमने दूध लिया है, दूध का हम उतना ही यूज करेंगे जितनी हमें जरूरत पड़ेगी। दूध थोड़ा हल्का गर्म है, अगर आप दूध ना डालना चाहें तो आप इसको सिंपल गर्म पानी से भी गून सकते हैं। अब ये देखिए घुन चुका। अब 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डाल रहे हैं। अब इसको हम राइस होने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। आप किसी भी प्लास्टिक के ऐसे पेपर से इसको कवर कर सकते हैं या किसी भी ढक्कन से इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए इसी तरीके से ढक के रख दीजिए, ये अच्छे से राइस हो जाएगा। अब हम व्हाइट सॉस बनाते हैं। व्हाइट सॉस बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिया है, 1 टेबल स्पून बारीक कटे हुए लहसुन के जवे लिए हैं, 4 से 5 लहसुन के जवे लिए थे उन्हें हमने छोटा छोटा कट कर लिया। अब हम इसे ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए ब्राउन हो चुका। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैदा शामिल कर रहे हैं। अब हम 1 से 1.5 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्स हो चुका। अब इसमें हम 1 गिलास दूध शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। दूध शामिल हो चुका। अब इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल कर रहे हैं, 1 टीस्पून व्हाइट मिर्च पाउडर शामिल कर रहे हैं, 1/2 टीस्पून या हस्बे जरूरत नमक शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि मैदे का जो भी कच्चापन है वो दूर हो जाए। ये देखिए हो चुका, ये व्हाइट सॉस तैयार है। हमने डो को 1 घंटे ही रखा था, ये फूल के डबल हो चुकी है। अब हम इसकी रोटी बना लेते हैं। पैन में 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं, अच्छे से फैला लेंगे। अब पिज्जा की रोटी को इस तरीके से हम हाथों से बड़ा कर लेंगे। अब यहां पर मैं चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर पिज्जा सॉस भी डाल सकते हैं या टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस का टेस्ट मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। अभी हमने जो व्हाइट सॉस बनाई है वो डाल रहे हैं।
और वेजिटेबल के अंदर यहाँ पर हमने प्याज ली है जिसको हमने इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया, टमाटर लिए हैं उनको भी इस तरह हमने लंबा लंबा कट कर लिया, शिमला मिर्च ली थी एक उसको भी हमने इस तरीके से कट कर लिया, ये ऑलिव से। वेजिटेबल आप अपनी मर्जी से कोई भी डाल सकते हैं। यह हमारा पिज्जा तैयार है बेक होने के लिए। आप चाहें तो इसको अवन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं इसको गैस पर ही बेक करूंगी। अब हम इसे कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। 12 मिनट हो चुके हैं, यह आप देख सकते हैं पिज्जा तैयार है। या पीछे से भी देखिए कितना अच्छे से ये बेक हुआ है, बहुत अच्छा हमारा पिज्जा तैयार हुआ है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमने फ्राई पैन में पिज्जा तैयार किया है, वो भी कितना अच्छा तैयार हुआ है। पिज्जा की रोटी कितने अच्छे से बनी है, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।